Guys, welcome to my channel. Hope you are all doing well. So today I have created Eid makeup tutorial for upcoming Eid. So yeah, if you want to achieve this look, then watch video till the end. So without any further ado, video को start करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए पतंजलि एलोवेरा जेल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. एंड मैंने इस पे जस्ट टी जोन पे अप्लाई किया है एंड रैंडमली अप्लाई किया, दैट्स इट. उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. एंड इसमें स्पैचुला आता है तो ये काफ़ी हद तक बेटर ऑप्शन है, बिकॉज आपको कितनी क्वान्टिटी चाहिए एंड वो इसमें डिफाइन हो जाएगी अच्छे से, तो इट इज़ गुड. तो जस्ट मैंने फेस पे अप्लाई किया, नेक पे, एंड मसाज इट वेल कि वो आपके स्किन में अच्छे से लग जाए, डिज़ोल्व हो जाए, ऐसा उभरा उभरा सा ना लगे. मेक श्योर दैट एंड रैंडमली अप्लाई करके, दैट्स इट. उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है. द कंसीलर आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम ADS 01 शेड है इसका. या तो डार्क सर्कल्स है मेरे, तो इसीलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ. बाकी आप स्किप भी कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू. ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई किया है. जस्ट अप्लाई प्रॉपरली, बिकॉज उतना वो नहीं लगना चाहिए. उसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, आई एम इन द शेड नेचुरल मार्बल. या तो इसे भी मैंने अच्छे से अप्लाई किया है, बिकॉज कंसीलर के बाद हमें सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए. बाकी आप लूज़ पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है. दिस इज़ रियली वेरी गुड एंड अफोर्डेबल भी है. मतलब 300 के अंदर आपको 51 कलर्स का पैलेट सेट दे रहा है, तो और क्या उम्मीद कर रहे हो आप, राइट? तो इतना ये बहुत अच्छा है. उसके बाद इसमें से मैंने पहले तो ब्राउन शेड चूज़ किया था. एंड इसमें एप्लीकेटर आते हैं, तो अगर आप बिगनर हो तो आसानी से अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट उतना ज़्यादा हैवी कैची लुक नहीं क्रिएट किया है. सेकेंड आई में भी सेम हम वैसे ही क्रिएट करेंगे. या तो नेक्स्टली जो है लोअर लेसेस पे भी अप्लाई करना है सेम कलर, ब्राउन कलर. या और इसमें काफ़ी सारे कलर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है आप उससे भी क्रिएट कर सकते हो. उसके बाद मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से इसमें लाइक गोल्डन कलर था या, तो उसे मैंने जस्ट सेंटर लिड पे अप्लाई किया है फॉर एक्स्ट्रा ग्लो ही, बस उससे ज़्यादा नहीं. तो दूसरी आंखों पे भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है. या तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हो गया था. उसके बाद इसमें थोड़ा सा ना ग्रीनिश टोन में था, लाइक उतना मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा, बट इसमें है एक शेड, काफ़ी अच्छा शेड है, लाइक थोड़ा सा डार्क ग्रीन से है, लाइक ऐसा टोन में है, तो वो मैंने अप्लाई किया था, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं. या उसे भी लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करना. उसके बाद फॉर द आईलाइनर, ये मैं यहाँ पे स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ. आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो, या तो आपके पास दोनों ही नहीं है तो काजल की हेल्प से भी आप आईलाइनर क्रिएट कर सकते हैं. मैंने इसमें विंग क्रिएट किया है, सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको क्या क्रिएट करना है. तो या एक आंखों में तो हो गया हमारा. अब दूसरी आंखों की बारी आती है, तो सेकंड में भी मैंने सेम प्रोसीजर ही फॉलो किया है. तो इसे भी जस्ट मैंने विंग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया था. एंड या उसके बाद मैं यहाँ पे काजल के लिए L18 का काजल यूज़ कर रही हूँ. लोअर बॉर्डर लाइन पे हमें अच्छे से अप्लाई करना है. ये काफ़ी डार्क है, तो मेक श्योर कि आपको डार्क लाइट में देख लेना कि कैसा चाहिए, अगर लाइट चाहिए तो डार्क. उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश के लिए स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया था ब्लश के लिए. उसके बाद जो है उसी पैलेट में से हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ, तो ये आप ले लेना, बिगनर्स हो तो इट इज़ परफेक्ट ये पैलेट. इसमें हाइलाइटर, ब्लश, ब्रॉन्जर आप कर सकते हो, ब्राउन शेड भी आता है तो वो हेल्प करेगा आपको. उसके बाद फिंगर की हेल्प से मैंने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई किया आईज के. या एंड आवर लास्ट स्टेप इज़ लिपस्टिक. एंड लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे स्टिक फॉर्म में वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ लिपस्टिक इज़ फ्रॉम ADS. ये मैंने कॉम्बो लिया था 12 सेट का अमेज़ॉन से, तो उसमें ये कलर सेव हुई थी मेरी, लाइक थोड़ा सा डार्क पिंक टोन में है ऐसा. Guys, this is my final look. If you really enjoyed this video, then make sure to like, do subscribe to my channel and also press the bell icon for upcoming videos. And जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप चेक कर सकते हैं if you want to purchase. Then bye bye, take care, see you in next video. Till then, stay safe, stay secure.